स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड सेफ एट योर होम। गुड। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 27। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिल अप्स करना है और कुछ प्रॉपर्टीज बन जाती है, वो आपको प्रॉपर्टीज एक बार माइंड में सेट भी करनी है। देखो, किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को या नंबर को, किसी भी नंबर को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी डिजिट या नंबर को सेम से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमारा क्या आता है? वन। ओके, सेम डिजिट को सेम से डिवाइड करते हैं तो वन आता है। और हम अगर किसी डिजिट को वन से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? बिगर नंबर, जो वन फोर जा फोर, वन फोर जा फोर। और अगर हम वन फोर में, अगर हम क्या करते हैं बेटा, जीरो से डिवाइड कराते हैं, यानी जीरो डिवाइड बाय नाइन, अगर हम जीरो को नाइन से डिवाइड कराते हैं, जीरो को नाइन से, तो नाइन जीरो जा जीरो, तो क्या आंसर आता है हमारा? जीरो। ओके, फिर से देखो, हम प्रैक्टिस करते हैं। नाइन को अगर वन से डिवाइड कराते हैं, नाइन को वन से, वन नाइन जा नाइन, तो आंसर क्या आया? नाइन। ओके ओके बेटा, अगर हम नाइन को वन से डिवाइड कराते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? नाइन। क्लियर? इसी तरह अगर हम 65 को वन से डिवाइड कराते हैं तो क्या आएगा हमारा? वन सिक्स जा सिक्स, माइनस किया तो जीरो, ऊपर से आया फाइव, वन फाइव जा फाइव, क्या आंसर आ गया? 65। किसी डिजिट को अगर हम वन से डिवाइड कराते हैं, किसी भी डिजिट को अगर हम वन से डिवाइड कराते हैं, तो जिस डिजिट को डिवाइड करा रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है, वही हमारा आंसर होगा। ओके, इसी तरह हम सेवन को किससे डिवाइड कराएं, हम सेवन को किससे डिवाइड करवाएं कि हमारा आंसर सेवन आ जाए? सेवन को किससे डिवाइड कराएं जो सेवन आ जाए बेटा, बताओ? वन जा से, सेवन वन जा सेवन, वन की टेबल में सेवन जा पे आते हैं ना, तो यानी वन को टेबल, यानी सेवन को अगर हम वन से टेबल डिवाइड कराते हैं तो वन सेवन जा सेवन। ओके, अब देखो, 16 को वन से डिवाइड कराएंगे तो क्या आंसर आएगा? अभी मैंने बताया था ना कि किसी भी डिजिट को वन से डिवाइड कराते हैं तो हमारा जो, जिसको हम डिवाइड करवा रहे हैं, वही आंसर होता है, तो यानी 116 जा 16। अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया, वन को किससे डिवाइड करवाएं कि हमारा आंसर एट आ जाए? वन की टेबल में एट कब आता है? वन एट जा एट, राइट? तो हमने यहां क्या कर दिया? एट। ओके, वन एट जा एट। नेक्स्ट है, 19 को किससे डिवाइड कराए कि हमारा आंसर 19 आ जाए? 19 की टेबल में 19 कब आएगा? 19 वन जा 19, तो हम 19 को किससे डिवाइड कराए कि 1 आ जाए, सॉरी 19 आ जाए, तो क्या आएगा? 1। यानी 19 को अगर हम 1 से डिवाइड कराते हैं तो 19 आंसर आता है। अब 0 डिवाइड बाय 9, अगर हम 0 को 9 से डिवाइड कराते हैं तो क्या आंसर आता है? 0, 9 0 जा 0। क्लियर? तो हमारा यहां आंसर क्या आएगा? जीरो। अब वही फिर से आ गया कि कौन सी डिजिट है जिसको वन से डिवाइड कराए तो हमारा आंसर 25 है, यानी वन की टेबल में 25 कब आएगा? 125 से 25, राइट? तो यहां हमारा आंसर क्या आएगा? 25। फिर से देख लो एक बार, 0 डिवाइड बाय 5, क्या आंसर आया? अगर हम 0 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो 0, तो 0 यहां क्या आ गया? 0। 9 को किससे डिवाइड कराएं कि 1 आंसर आ जाए? 9 को हम किससे डिवाइड कराएं कि आंसर हमारा 1 है? कौन सी टेबल में आएगा 9? 9 की टेबल में आएगा, तो 9 वन जा 9, तो हमने किससे डिवाइड कराएंगे? सेम डिजिट से। अगर हम किसी डिजिट को सेम डिजिट से डिवाइड कराते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। ओके, अब सेम डिजिट फिर आ गई, अगर हम किसी सेम डिजिट को सेम डिजिट से डिवाइड कराते हैं तो क्या आंसर आता है? 1। अभी बताया ना मैंने कि किसी डिजिट को हम किससे डिवाइड कराएं कि 1 है, सेम डिजिट से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा। ये क्वेश्चन फिर से दे दिया उन्होंने कि सेम डिजिट है, ये भी सेम डिजिट है, अगर हम सेम डिजिट को सेम डिजिट से डिवाइड कराते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1। ओके, अब आप देखिए, 53 डिवाइड बाय 1, 53 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा? बताया था ना मैंने, 153 जा 53, तो हमारा क्या आएगा? बिगर नंबर। 39 को 1 से डिवाइड कराए तो क्या आंसर आया? 139 जा 39, सेम डिजिट को सेम से डिवाइड, फिर से रिपीट हो गया, 8 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1।
वन डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू वन। 14 को किससे डिवाइड कराएं कि हमारा 1 आ जाए, 14 को किससे डिवाइड कराएं कि हमारा आंसर 1 आ जाए। अभी मैंने क्या बताया, किसी भी डिजिट को सेम डिजिट से डिवाइड कराते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। बताया ना मैंने अभी, सेम सिचुएशन यहाँ पर है, किसी भी डिजिट को अगर हम सेम डिजिट से डिवाइड कराते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 0 डिवाइड बाय 8, अगर हम 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड कराते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। 0 वन जा 0, 0 टू जा 0, किसी 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड कराते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। अच्छा ये तो था कि 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड कराएं तो 0 आएगा, और अगर क्वेश्चन आ जाए, वो आपकी में है नहीं फिर भी मैं इस प्रॉपर्टी को बता देती हूँ बेटा, अगर हम किसी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं, ये तो है कि हम 8 को किसी 0 से डिवाइड करा रहे हैं, इधर देखो 0 को 8 से डिवाइड करा रहे हैं, यानी 0 अंदर 8 बाहर, और दूसरा स्तंभ हमारा बनता है बेटा 8 अंदर और 0 बाहर, यानी 0 8 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर हमारा डिफरेंस आता है। ये नहीं है कि दोनों का आंसर सेम आएगा, नो, दोनों के आंसर में डिफरेंस पाएगा। क्या डिफरेंस है देखो, 8 की टेबल तो पता है हमें, 8 0 जा 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये तो हो गया 8 0 जा 0, माइनस किया तो इसका आंसर हमारा 0 आ गया। और अगर हम इसको 0 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने आपको 0 की टेबल सिखाई थी ना, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, तो 0 8 जा 0, 0 8 जा 0, अब हमने इसे फिर माइनस किया तो क्या आया, 8 अगेन डिवाइड जाएगा, 0 8 जा 0, फिर रिमेनिंग आ गया, इट मींस ये तो रिमेनिंग बनता ही जाएगा, बचता ही जाएगा, तो चलो आगे कितना भी इसको आगे ले जाओ ये तो बहुत आगे चला जाएगा। तो बेटा अगर हम 8 डिवाइड बाय 0 यानी किसे डिजिट को 0 से डिवाइड कराते हैं तो आंसर आता है इन्फिनेटिव। क्या आता है हमारा आंसर, इन्फिनेटिव। इट मींस इन्फिनेटिव का मीन्स क्या होता है कि नहीं पता वो कितना लंबा जाएगा, इन्फिनेटिव का मतलब है अनकाउंटेबल, हमें नहीं पता कि वो कितना लंबा जाएगा। ओके बेटा, तो अगर हम 8 को 0 से डिवाइड कराते हैं तो हमारा आंसर आता है इन्फिनेटिव। ओके, ये आपकी में है नहीं फिर भी मैंने इस प्रॉपर्टी को आपको बता दिया है, और अगर हम 0 को 8 से डिवाइड कराते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। गॉट इट बेटा, आई होप सबको फिलअप्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो बेटा आप व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू मुझसे कंफर्म कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।